गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप अपने सिलेबस दिते हुए ग्रामर के टॉपिक समानार्थक शब्द जो कि सानू साडे सिलेबस एक तो 25 तक दिते हुए हैं नू पढ़ांगे, विचार चर्चा करांगे ते उन्होंने नाल मिलते हुए होर नवे समानार्थक शब्द भी लिखांगे। बेटा जी, ये समानार्थक शब्द थोड़ी ग्रामर की बुक के पेज नंबर 90 उपर दिते होया। सो तुसी सारे ही स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बच्चों ने अपनी ग्रामर बुक का पेज नंबर 90 ओपन करना है। सिलेबस बेटा जी ये शब्द जेड़े आ 1 से 25 तक सानू दिते होया। आपा पहला करदे सीगे विरोधी शब्द, सानू एक शब्द दिता हुंदा सीगा असी उहदा उल्टा रूप लिखते हुंदे सीगे, उहदा जिहड़ा उल्ट रूप सीगा वह लिखते होंगे सीगे, जिमें सच्चा झूठा है ना। पर हुण जिहड़े असी करनी हैगी आ समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्दों के सानू एक शब्द दिता हुंदा है असी उहदे नाल सेम अर्थ वाले, ठीक है, असी उस शब्द के सेम अर्थ वाले होर शब्द लिखने हुंदे आ उहनां नूं की कहिंदे आ समानार्थक शब्द, ठीक है। जिमें हुंदा हैगा आ अमीर, आपां कहिंदे ना वह बहुत अमीर आ, बोलदे आ ना अमीर। हुण अमीर शब्द आपां की कहिंदे हुंदे आ धनी है ना, सेम अर्थ हो गया। तनाड, तनाड की हैगा आ अमीर नाल ही, ठीक है, जिहदे कोल ज़्यादा पैसा होवे उहनूं आपां कहिंदे आ ना तनाड। सो ये जिहड़े दो रूप सीगे ये के सीगे समानार्थक शब्द, ठीक है। सो थोड़ी बुक दे विच जिते हुए हैगे आ शब्द, जिवें आपां किसे नूं कह दिंदे आ किसे नूं आपां किसे नालों डिफरेंस करना होवे, किसे नालों अलग दसना होवे, ठीक है, ये अपने परिवार नालों वख है, वख मीनस जुदा है ना। समानार्थक हो गया अडरा कि ये अड रहिंदा है, अलग है ना, एक ही हो गए उहदे सारे समानार्थक शब्द। गुड, हुण देखो जिवें थोड़ी बुक च दिता होया है फर्स्ट है शब्द थोड़ा उस्तत, उस्तत का की अर्थ आ वडियाई, प्रशंसा। हाँ, हुण देखो इत्थे दित्या होया वडियाई, महिमा, तारीफ, प्रशंसा, ये सारे की शब्द हो गए उहदे समानार्थक रूप, समानार्थक रूप। असी पहला सानू शब्द की मिलिया सीगा उस्तत, उस्तत मिलिया सीगा ना, निंदिया का विरोधी की आ उस्तत। हुण असी इहदे समानार्थक लिखणी आ महिमा किसे दी करनी, वडियाई, ठीक है, सही है ना। असी इहदे किन्ने रूप लिखते, चार, एक ही हो गए उहदे समानार्थक रूप। अगला है उस्ताद, गुरु, अध्यापक, शिक्षक, मुर्शिद, समझ लग गया ना, गुरु नु की कहंदे आ अध्यापक, अगे है उगा, नामी, प्रसिद्ध, मशहूर, विख्यात, विख्यात मीन्स ज्यादा जेड़ा प्रसिद्ध हुंदा आ, ठीक है। उगा सानू शब्द दिता सीगा उहदा की आया नामी, प्रसिद्ध, मशहूर, विख्यात। अगला है उचित, उचित मीन्स सही है ना, उन्हें काम सानू हमेशा उचित करना चाहिदा है, सही। योग, फिर क्या, टुकमा, अनुकूल, मुनासिब, जायज, जायज। आगे है उज्जल, साफ, निर्मल, शुद्ध, सुथरा, पवित्र। क्लियर होने लग गया, समझ लगे थानू हुण हौली हौली, जो आप अगे करांगे फिर थोड़े को आप भी कई शब्द जिहड़े आ उह तुहानू याद आने शुरू हो जाने। उजाला, हाँ उजाला, हनेरा,
ਦਾ ਕੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਪ ਉਜਾਲਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਜਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਨਣ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਲਿਖੋ ਲਿਖੋ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਨਣ ਲੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਉੱਤਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੰਗਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੋਚੋ ਵਧੀਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਆ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਦਮੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਅਗਲਾ ਹੈ ਉਦਮ ਹਿੱਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਿੱਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਿੱਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਫਰਟਸ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਦਾਸ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਚਾਟ ਆ ਉਦਾਸ ਆ ਉਪਰਾਮ ਨਿਰਾਸ਼ ਉਨਤੀ ਤਰੱਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ ਅਗਲਾ ਹੈ ਉਪਾਸਨਾ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਰਾਧਨਾ ਅਰਦਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਦ ਲਿਖਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਨਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਜੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਜੋਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰਿਆਦ ਜੋਦੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਹੈ ਉਜਾੜ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਹੀ ਸੁਨ ਸੁਨਸਾਨ ਵੀਰਾਨ ਅਗਲਾ ਹੈ ਉਪਕਾਰ ਮਦਦ ਉਮੰਗ ਰੀਚ ਇੱਛਾ ਤਮੰਨਾ ਸਬਰ ਅਰਮਾਨ ਓਪਰਾ ਬੇਗਾਨਾ ਗੈਰ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਕੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਸਲ ਮੂਲ ਯਥਾਰਥ ਵਾਸਤਵ ਹਕੀਕਤ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸਲੀਅਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸਮਾਨ ਅਮਨ ਅਮਨ ਅੰਬਰ ਗਗਨ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤਮੰਨਾ ਤਮੰਨਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਛਾ ਅਰਮਾਨ ਲਾਲਸਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਉਸਤਾਦ
विद्यक मुर्शद। ठीक है, अगे हैगा या असंभव नामुमकिन। लिखो नामुमकिन। उस तो बाद है आशीष आशीर्वाद। हम ये आप लिखा गे दुआवां। अगला है असील अकल समझ जी अंतर अटल जिस चीज नी चेंज ना कर सकते हो अडरा निराला कर लिया होर। चलो कोई नहीं आ लिख लो नाल उदे दो होर वाक जुदा ए भी दो लिख लो। ठीक है, सो ए सीगे बेटा जी अपने समानार्थक शब्द 1 तो 25 तक जो साडे सिलेबस से विच दित्ते हुए सीगे। हुन चलदे हां आपां बैक एक्सरसाइज ते। पेज नंबर हैगा या थोड़ा 99। पेज नंबर 99 दिता होया देखो उड़ा क्वेश्चन। हेठां दिते शब्दां दे ठीक समानार्थक शब्द सामने टिक दा निशान लाओ। ठीक है, उगा प्रसिद्ध होर प्रसिद्ध इक्को ही है दे विच। ठीक है, दूजा है अंदाजा अनुमान कातल हथियार। हुण देखो इहदे विच कातल भी दित्ता आ दोषी भी दित्ता आ है ना, पर दोषी कला कातल नूं नहीं कहिंदे, चोरी करन वाले नूं कोई होर जुर्म करन वाले नूं भी कह दिंदे आ ना। पर करैक्ट इहदे विच आंसर की आ हथियारा, जो किसे दी हत्या करदा है। सियाणा हिमायत समर्थन सुखम कोमल सुखम कोमल कोमल दा नरम सुखम दा की समानार्थक आ कोमल। अगला है एड़ा। हेठां दिते शब्दां दे दो दो समानार्थक शब्द सामने लिखो। उस्ताद अध्यापक सुनता लो, मैनू पता थानू सब नू लर्न हो गया नाल नाल। ठीक है, पहले जेड़े हैगे आ छे दिते हुए एड़ा पाठ छे दिते हुए है ना, है ना। सो तुसी इना छे दे दो दो नी तीन तीन रूप लिखने आ, दो दी खता कर लो तीन तीन रूप। सो तुसी इहदे तीन तीन जेड़े रूप हैगे आ ओ अपनिया नोटबुक दे विच करने आ। प्लस जेड़ा उड़ा पाठ हैगा आ ए थोड़े हो गया MCQ टाइप है ना, समय लग गया। एदी ऑप्शन भी थानू नाल दितियां होईयां ने दितियां ना, और इन इस नु भी उड़ा ते एड़ा पार्ट दोनों एड़े दे है गया फर्स्ट 6। तुसी ये अपनी नोटबुक दे विच करनी आ। उड़े पार्ट दे सारे ही आ, छे ही थल्ले आ। ठीक है, हुण थोड़ी प्रैक्टिस दे ले अपनियां बुक्स सारे बंद करो, इनू रेज करके करना। बुक्स आपकी बंद। किसी बच्चे की भी बुक नहीं खुली होनी चाहिए। ठीक है,
सोची चलो दत्तिक माइंड दे विच चलो केनू आने हैगे आ दो दो रूप लिखियो मैं ज्यादा नहीं कहूंगी इथे दो दो रूप कहूंगी हैंड रेज करो फर्स्ट तनी ले प्रणवी आजो दो रूप लिखो सही है yes. अगला है कोमल सोचो इधर की अर्थ हो सकते हैं वो बहुत कोमल है वो कपड़ा बहुत डैश है अंजी बोलो वंशिका नाजुक से नरम हाँ कोमल मुलायम नाजुक नरम सुखम ये सारे शब्द की है क्या कोमल दे समानार्थक रूप अनोखा चलो रोहन आज लिखो अनोखा अद्भुत विचित्र नहीं अगला है जुदा सोच के रखो अद्भुत हुंदा अद्भुत नहीं ये हिंदी दा हो गया अद्भुत बेनू अंकड़ थत्ता अद्भुत स्पेलिंग गलत था हाँ जी जुदा डन अडरा वखरा अलग एक ही है क्या सारे ही युदा शब्द समानार्थक रूप क्लियर सो हूं थानू सब नो समानार्थक शब्द क्लियर हो गया थोड़े को एमसीक्यू दे विच भी अपा प्रैक्टिस कर लिए दो क्वेश्चन थानू दिनी आ ताकि थानू थोड़ा आइडिया होवे कि सानू जो एमसीक्यू दे रूप विच आने आ ओ किदा आने आ मुश्यत शब्द दा सही समानार्थक रूप चुनो
हाँ जी यस निमिता विद्यक नहीं हो सकता है मनराज शिक्षक ठीक है सही उत्तर किया शिक्षक जी क्यों गुलीन शो सही उत्तर किया हम सब क्लियर हो गया ना कई बार थानू उड़ान से ऐडा जेड़ा कंफ्यूजन करने लिए भी यूज किया जाता है थानू पता होना चाहिए है कि जो सू क्वेश्चन पूछा है उसका सही उत्तर केड़ा है ठीक है चलो ये सीगे बेटा जी अपनी समानार्थक शब्द होमवर्क जो हैगा या वो तुसी अपनी नोटबुक दे बैक एक्सरसाइज जो करके आना है क्लियर बेटा जी